यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय, बलशाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी निसंदेह बल द्वारा हर लेती हैं। हरिओम। प्रश्न था अर्जुन का, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थितधिक किम प्रभाषित। वो कौन है जो समाधिस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या है, वो उठता कैसे, वो बैठता कैसे, वो चलता कैसे, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। और तुर्रा यह है कि अर्जुन पूछ किससे रहा है, स्वयं स्थित प्रज्ञ से। पास समीप दिखत नहीं दृग दृग, ऐसी दिन तुलसे संसार को भया मोतिया बिन। इतने करीब है फिर भी नहीं पहचान पाया कि नारायण स्थित प्रज्ञ सामने विराजमान है, और सामने भी नहीं है, नीचे बैठे हुए रथ में। जो सारथी है वो नीचे बैठा होता है, रथी ऊपर बैठा होता है। तो अर्जुन को भगवान जी ने कहा उच्यते, उच्यते मीन्स ऐसा मैंने सुना है। जो अपनी कामनाओं को जिसने पूरी तरह से परित्याग दिया, आत्मन्नेव आत्मना तुष्टा, जो अपने में संतुष्ट है। उसके बाद कहा यह सर्वत्राण, बंधन नहीं है उसको कोई। क्यों बंधन नहीं है, क्योंकि डिजायर ही नहीं है। बंधन कब होता है, जब कामना होती है। सबसे लो स्थिति है जब आपके पास संयम नहीं है, उससे अच्छी स्थिति है जब आपके पास संयम है, और सबसे बढ़िया स्थिति है जब संयम की जरूरत नहीं है। जब संयम की जरूरत नहीं तो बंधन किस बात का। छोटे बच्चे को खिलौने की शॉप में ले जाओ तो वो बंधन में बन जाता है, लेकिन आप उस शॉप में जाओ तो यू मे नॉट बाय एनीथिंग। क्यों? यस सर्वत्राण, यस सर्वत्राण, सब जगह है, कहां नहीं है। उसकी आंतरिक स्थिति क्या है, समद दुख सुख क्षमी, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय मान पराजय में परेशान नहीं होता। पिछले श्लोक में हमने देखा कूर्मोगानी, वह कछुए की तरह। कछुआ कैसे करता, पांच चीजें, चार पांव, एक मुंह और एक पूंछ जमीन पर रहती है, लेकिन ऊपर हार्ड शेल होता है, और जैसे ही खतरा नजर आता है अपने आप को, छो लिम्ब्स को, अपने छो अंगों को उस शेल के अंदर, उस हार्ट कवच के अंदर डाल देता है। उसके बाद उसको कोई टच नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा उम्र का यदि कोई जानवर है तो वह कछुआ। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी है, संसार में रहता है, और रहते 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 उसकी बुद्धि निर्णय लेती है, वो बुद्धि के शरण में चला जाता है। बुद्धम शरणम अन्विच्छा, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध ने कहा। यहां भगवान कृष्ण जी ने शब्द यूज किया बुद्धम शरण गन्विच्छा, बुद्धि की तो शरण में जा। और जो बुद्धि का इस्तेमाल करता है वो बुद्ध है, और जो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता वो क्या है, आप खुद नाम ले लीजिए। तो इस श्लोक में, 60वें श्लोक में भगवान कहते हैं इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी निस्संदेह बल द्वारा हर लेती है। तो इसको, अपनी इंद्रियों को सिंपल मत लीजिए, आपकी इंद्रियां आपको पूरी तरह से वश और विवश कर देती है। पांच इंद्रियां हैं, जीभ है, नाक है, कान है, आंख है, स्किन है। ये पांच इंद्रियां क्या करती है, विषयों के पीछे भागती है। और विषयों के पीछे कितना भागती है इसका उदाहरण देते हैं विवेक चूड़ामणि में। विवेक चूड़ामणि में उदाहरण आता है पांच जानवरों का। पहला है मछली का। मछली की वीकनेस है टेस्ट। मछली खाना, आटा देखती है, आटे के अंदर कांटा होती है, वो आटे को खाती है और कांटे में फंस जाती है। मछली की कमजोरी है स्वाद, आटे को देखती है, कांटे में फंसती है और मर जाती है। हिरन, दूसरा हिरन, हिरन की कमजोरी है स्वर शब्द। यदि आपने पुरानी पिक्चर बैजू बावरा या तानसेन देखी हो तो जब बैजू बावरा तानसेन गाते थे तो हिरन ही हिरन आते थे। तो पुराने जमाने में हिरणों को पकड़ने के लिए क्या करते थे, जंगलों में जाके संगीत सितार बजाया जाता था, हिरन सुन के आते थे और उन पे जाला डाल दिया जाता था। तो मछली की कमजोरी है स्वाद, हिरन की कमजोरी है कान,
भंवरे की कमजोरी है खुशबू। भंवरा खुशबू के लिए फूल में बैठता है और फूल बंद हो जाता है और भंवरा वहीं मर जाता है। पतंगे की कमजोरी है रोशनी। रोशनी सामने लाइट होती है, पतंगा आता है और उस शमा में जल जाता है। और हाथी की कमजोरी है स्पर्श, टच। हाथी की कमजोरी है स्पर्श। मेटिंग सीजन में जब सामने हथनी रख देते हैं और मस्त हाथी जब हथनी को देखता है उसको छूने भागता है और बीच में बहुत बड़ी पिट रख देते हैं गड्ढा, और गड्ढे के ऊपर सिर्फ घास होती है, कुछ नहीं होती। और मस्त हाथी जब हथनी को देखता है उसको छूने भागता है और उस गड्ढे में, उस पिट में चला जाता है और बंधन में बन जाता है। इन पांचों जानवरों का एक एक इंद्री में वश नहीं है। और हश्र क्या है? इन पांचों जानवरों का एक एक इंद्री में वश नहीं है। और हश्र क्या है? मृत्यु। आदमी का एक भी इंद्री में वश नहीं है। आदमी का तो पांचों में नहीं। अब सोचिए, अब अपने परफ्यूम लगाए कितनी इंद्रियों को सुख मिला, अपने सेंट इत्र छिड़का कितनी इंद्रियों को सुख मिला, एक को सिर्फ, किसको? नाक को। आपने मूवी देखी कितनी इंद्रियों को सुख मिला। मेरे साथ बी विद मी प्लीज, क्योंकि इट्स योर लाइफ, इट्स योर लाइफ, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आपने परफ्यूम लगाई एक इंद्री को सुख मिला, आपने मूवी देखी सिनेमा हॉल में कितनी इंद्रियों को सुख मिला, कान को और आंख। अब ये मत कहना पॉपकॉर्न खा रहे थे वो सुख है, वो पॉपकॉर्न का सुख अलग है। मूवी देखने के दो इंद्रियों को, कान को और आंख को। अब ये मत बोलना मन को सुख मिला, मन को तो अलग सुख है। अपने तबला बजाया तीन इंद्रियों को सुख मिला, तीन इंद्रियों को सुख मिला, हाथ को, आंख को और स्पर्श को, शब्द को। अब कोई सिगरेट पीता है कितनी इंद्रियों को सुख मिलता है? सिगरेट जो पीता है वो कितनी इंद्रियों को सुख मिलता है? चार इंद्रियों को एक साथ, टच को, टेस्ट को, स्मेल को और आइस को, जो बबल निकालते हैं। इसलिए जो इंद्रियों का सुख जितनी, जो विषयों का सुख जितनी ज्यादा इंद्रियों को सुख देता है उसमें संयम उतना ही मुश्किल है। आई रिपीट, जिस जो विषय जितनी ज्यादा इंद्रियों को सुख देता है, एनी सेंस ऑब्जेक्ट विच गिव्स द मोर हैप्पीनेस टू द मोर एंड मोर सेंस ऑब्जेक्ट, इट्स डिफिकल्ट टू रिस्ट्रेन। दैट्स व्हाई चिप्स कितनी इंद्रियों को सुख देता है, तो चिप्स को क्यों नहीं छोड़ पाते बच्चे? चिप्स एक ऐसी चीज है जो पांचों इंद्रियों को सुख देता है, जीभ को देता है, स्वाद है उसमें, कलरफुल उसकी पैकेजिंग है, आंख है, टच को देता है, स्मेल को देता है, क्रंची क्रंची साउंड है, पांचों को देता है। सॉरी टू गिव दिस एग्जाम्पल, स्त्री पुरुष के संबंध भी पांचों इंद्रियों को सुख इकट्ठा देते हैं, इसलिए उसमें संयम बड़ा मुश्किल है। इंद्रियानी प्रमाथीनी, भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्रियां बलवान है, इसको जरा पुचड़ू पुचड़ू मत कर, इसको संयम में रख। यदि इंद्रियों को तूने संयम में नहीं रखा, बलशाली इंद्रियां, यतन करते हुए अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोगों को, ये नहीं कि सिर्फ टॉम डिक कैनरी को, ऐरे गरे नत्थू खैरे को, नहीं, अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोगों को धोबी पटका मारती है, अच्छे अच्छे बुद्धिमान के मन को हर लेती है। और यही समझाने के लिए हमारे यहां विश्वामित्र फेल फॉर मेनका बताएगा, विश्वामित्र विल नेवर फॉल फॉर मेनका प्लीज। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि कामनाओं के आगे जकड़ा हुआ विश्वामित्र मेनका के प्रति अस्थिर हो गया। विश्वामित्र कैन हैंडल थाउजेंड्स ऑफ मेनका एंड आई बिलीव इट, लेकिन वो सिर्फ हमें और आपको समझाने के लिए, जैसे कई बार बच्चे को समझाने के लिए आप कहते हो मैं भी गिर गया, मैं भी गिर गया, जस्ट टू पुट हिम इन द राइट ट्रैक। तो हमें राइट ट्रैक लाने के लिए ग्रेट संत विश्वामित्र जैसे लोगों ने हमें और आपको बताया कि ये इंद्रियां बड़ी प्रमादी है, बड़ी बलवान है, बड़ी जिद्दी है, बड़ी पावरफुल है, इसको कैजुअली मत लीजिए। और हम बड़े कैजुअली लेते हैं, खाओ खाओ खाओ, और जब खाओ ज्यादा खा लो तो डाइजीन खाओ, हजमोला खाओ, फिर भी कुछ खाओ। लेकिन डॉग जब ज्यादा खा लेता है तो क्या करता है?
खाना बंद कर देता है। जब डॉग का स्टमक खराब होता है तो वो खाना बंद कर देता है, और हम जब हमारा पेट खराब होता है हम और ज्यादा खाते हैं। फिर डॉक्टर से पूछते, डॉक्टर साहब क्या खाऊं मैं? क्यों? इंद्रियों पे वश जिसका नहीं है, तो पूरी गीता का ये मूल है, इंद्रियों पे वश। निस्संदेह जिसकी मन इंद्रियों पे वश नहीं है वो मन को भी निस्संदेह हर लेती है। और यहां मन हरा इंद्रियों ने, देखिए इंद्रियां बॉडी है, मन है, और इंद्रियां मन को हर लेती है। और अगर इंद्रियां और मन को आपने सही तरह से नहीं हैंडल किया तो ये इंद्रियां मन बुद्धि को भी हर लेती है। एंड दैट इज सुप्रीमली ग्रेटेस्ट लॉस, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। लेकिन वो आगे आएगा, लेकिन अब भगवान जी बताएंगे बुद्धि की क्या इंपॉर्टेंस है। तो श्लोक नंबर 62 से लेके आगे तक भगवान जी बताएंगे बुद्धि की क्या इंपॉर्टेंस है। हमारी लाइफ में कई बार ये बात समझ नहीं आती लोगों को, और इंद्रियों में वश है नहीं, इंद्रियों पे कंट्रोल है नहीं, और बिठा देते हैं ध्यान में। तो ध्यान कब किया जाए उसका बड़ा सुंदर श्लोक आ रहा है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सबको वश में करके मेरे परम रूप में युक्त होकर बैठे, निसंदेह उसकी बुद्धि ठहरी है जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं। क्या कह गए भगवान जी? कहते हैं इन सबको वश में, उन सबको मतलब पिछले श्लोक में जो 5 इंद्रियां बताई है, तो उन इंद्रियों को जिसने पहले वश में किया, देन यू शुड सिट इन द सीट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज 99% प्रिपरेशन, 1% एफर्ट है। पाकस्य वन्निव ज्ञानम, भगवान आदि शंकराचार्य कहते हैं मेडिटेशन इज लाइक कुकिंग। कुकिंग कब होती है? जब आप अग्नि में खाने को अग्नि में डालते हो, लेकिन अग्नि में डालने से पहले इतनी प्रिपरेशन होती है। मार्केट में जाते हो, घिया तोरी भिंडी लाते हो, धोते हो, छिलते हो, मसाले लगाते हो, और जब सारी प्रिपेयर कर लेते हो, जैसे मीज़ाप्लास कहते हैं फ्रेंच में, जब सारा मीज़ाप्लास रेडी हो, देन कुकिंग इज सहज हो जाती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं यानी सर्वानी संयम्य, जिसने काफी हद तक अपनी इंद्रियों को संयम में किया हुआ वो ध्यान में बैठे। और हो क्या रहा है यहां पे तमाशा? पहले दिन ही ध्यान में बिठाया जाता है, पहले दिन ही साधकों को ध्यान में बिठाया जाता है। और ध्यान मेडिकल साइंस में सर्जरी है। यू डोंट स्टार्ट मेडिकल साइंस विद सर्जरी, यू एंड मेडिकल साइंस विद सर्जरी। 7 स्टेप दिए हैं अध्यात्म के, भोग योग उपरति धारणा ध्यानम समाधि महासमाधि। आई रिपीट, 7 स्टेप्स हैं अध्यात्म के। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवीं क्लास, छठी क्लास, सातवीं क्लास, और पांचवीं क्लास में पहली क्लास के बच्चे को सीधा पांचवीं क्लास में नहीं डालते। भोग से योग उपरति धारणा ध्यानम में आओ। इंद्रियों पे वश है नहीं, बोलने पे वश है नहीं, खाने पे वश है नहीं, नींद पे वश है नहीं, सोने पे वश है नहीं, जागने पे वश है नहीं, कामनाओं पे वश है नहीं, विवश है, और ध्यान पे बिठा देते। न खुदा ही मिला न वसाले सनम, ना इधर के रहे न उधर के रहे, नहीं बेपैंदी के लोटे बन जाते। सोचते हम तो ध्यान में बैठे और इंद्रियों के विषयों में भागते। तो भगवान क्या कहते हैं गीता जी में? ये मैनुअल है, गीता जी एक ऑथेंटिक बुक है। ध्यान में तभी बैठो जब आपका काफी इंद्रियों पे वश हो। पूरी साधना ऐसे जैसे दूध को घी बनाना। हमारा मन दूध की तरह है, दूध को जमीन पे गिर दो चारों तरफ फैल जाएगा, दूध को जमीन पे गिर दो चारों तरफ फैल जाएगा। उस दूध को थोड़ा सा ल्यूक वार्म करो, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, थोड़ा सा गुनगुना करो उस दूध, गुनगुने दूध में थोड़ा सा जामुन जाग या खट्टा डाल, दूध क्या हो जाएगा? रात भर छोड़ दो, दूध दही बन जाए। अब जब दही बन जाए तो मंथन करो, रिड़को,
और जब दही का मंथन करते हो तो मक्खन निकलता है। अब तो मक्खन फ्रिज में आ गए, तो पहले ठंडे पानी के ऊपर रखे जाते थे, उस ठंडे पानी में मक्खन रखा जाता था। जब काफी हद तक मक्खन इकट्ठा हो जाए तब उसे गर्म कर दो तो मक्खन क्या बन जाता है, घी बन जाता है। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ए मिल्क? मैं आपको घी बनाना नहीं सिखा रहा, ज्ञान दे रहा हूं। लाइफ स्पैन क्या है? दूध के यदि गर्म ना करो 2 घंटे, यदि दूध को गर्म ना करो 2 घंटे में खराब हो जाएगा। दूध का दही बना दिया, उसकी लाइफ स्पैन कितना, उसकी उम्र कितनी है? 1 दिन 2 दिन। उस दही को मक्खन बना दो तो लाइफ कितनी है? 2 हफ्ते 3 हफ्ते। और मक्खन का घी बना दो तो कभी खराब ना। अभी हमारा मन दूध की तरह एक जगह टिकता नहीं है, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, लेजी हो जाते हैं। अभी हमारा मन दूध की तरह, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई फट जाते हैं हम। अभी हमारा मन दूध की तरह, थोड़ी सी भी सिचुएशन आती है वी आर नॉट एबल टू हैंडल, तरल है, एक जगह टिक नहीं पाते। उस दूध को वाले मन में थोड़ा सा ज्ञान का खट्टा डालो, उस दूध वाले मन में थोड़ा सा ज्ञान का खट्टा डालो, मन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिमट जाएगा। अच्छा दूध अच्छा दही एक जगह टिक जाता है, प्लेट में रख दो एक जगह टिका रहता है, और उस दही पे करो मंथन। जब मन थोड़ा सा मैच्योर हो जाए तो रिफ्लेक्ट करो, रिफ्लेक्ट करो, और जब आप रिफ्लेक्ट कर लोगे तो मन और मैच्योर होगा। और मक्खन को पानी में रखते हैं तो ज्ञान में अहंकार ना आए, ज्ञान में अहंकार आ जाता है तो उसको भक्ति के पानी में रखो, भक्ति के साथ जोड़ो। जैसे लोहे को काटना है आपको आरी से, लोहे को आरी से काटना है तो उस आरी के साथ आप 2-3 बूंद लुब्रिकेशन की रख देते हो, 2-3 बूंद तेल की रख देते हो ताकि वो फ्रिक्शन से जले ना। सिमिलरली अहंकार में आप भस्म ना हो जाओ, अहंकार में आप भस्म ना हो जाओ, आपको भक्ति का तेल चाहिए। और भक्ति और ज्ञान जब मिलता है तो मन मोर परिपक्व हो जाता है, और जब मन मक्खन की तरह प्योर हो जाए देन ध्यान की अग्नि में जलाओ, इन द वाइट हीट ऑफ मेडिटेशन। जब ध्यान की अग्नि में आप अपने आप को लगाओगे तब आपका मन घी की तरह परिपक्व हो जाएगा, आपका मन मैच्योर हो जाएगा, फिर दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं है जो आपका मूड ऑफ कर सके। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं होगी जो आपको डिप्रेशन एजिटेशन और फ्रस्ट्रेशन दे सके। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं होगी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सके। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं होगी कि आपका हार्ट अटैक हो सके। तो गीता जी पढ़ लीजिए, आपके 4-5 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा, क्योंकि बाईपास की 4 लाख रुपए खर्च है। तो हम सब लोग मन को कैजुअल लेते हैं। गीता जी क्या कहती है, तानि सर्वानि संयम। तो शुरुआत कहां से करें, इंद्रियों को वश में करें, खाने में पहनने में सोने में डिसिप्लिन लाए, कैजुअली मत कीजिए डिसिप्लिन लाए। संयम का मतलब ये नहीं है कि आप डर आप इंजॉय नहीं कर रहे, संयम एक्चुअल में ज्यादा एंजॉय देता है। आपने 1 दिन उपवास की सोची, उपवास का सोचा और उपवास रात तक नहीं हो पाया, संयम डोल गया, आपने को ग्लानी होगी। लेकिन अगर आपने 1 दिन संयम से खाना उपवास किया, अगले दिन मूंग की दाल भी इतनी टेस्टी लगेगी जिसका कोई जवाब नहीं। तो संयम ज्यादा इंजॉयमेंट देता है, भोग विलास ज्यादा गिल्ट देता है। आई रिपीट, संयम में ज्यादा मजा है, भोग विलास में सजा है। सोचेगा इस बात पे। हरिओम दर्शन।